नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम तो नववर्ष पर मैं मेरे धौलपुर मीडिया के सभी साथियों को, सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जिस तरीके से पिछले वर्ष भी कोरोना के संकट काल में आपने कोरोना से उभरने में भी और अन्य सामाजिक समस्याओं में भी निष्पक्ष तरीके से समाज के जनहित के मुद्दों को सरकार के समक्ष, जनप्रतिनिधियों के समक्ष और जनता के समक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से रखा, उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए मैं आपको सबको ही बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बधाई देता हूँ। साथ में ही नववर्ष 2021 बड़ी उम्मीदों के साथ में शुरू हुआ है और बहुत सारी समस्याएँ जो पिछले वर्ष पूरे भारतवर्ष ने भुगती और धौलपुर ने भुगती, इनके बीच में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने न सिर्फ कोरोना का मुकाबला पूरी दुनिया में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने देश को साबित किया, बल्कि मुझे लगता है कि भारत के अंदर जिस प्रभावशाली तरीके से कोरोना का नियंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, उसी का परिणाम है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित और परेशान हो रही है तो भारत उस दिशा में बड़े प्रभावशाली तरीके से इससे मुक्ति की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। ड्राई रन कल आप सब लोगों ने देखा था, मैं खुद उसका निरीक्षण करके आया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी, जो स्वयं डॉक्टर है, पूरा प्रोटोकॉल किस तरीके से एक मरीज को कैसे आना जाना है वो सारा हमने सफलतापूर्वक किया। आशा करते हैं कि कोरोना से भी जल्द मुक्ति मिलेगी। आज जिस विषय पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आपने देखा होगा कि जिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिस तरीके से उन्होंने किए, बीच के दलालों को समाप्त करने का काम किया, जो लाभार्थी उसको सीधा लाभ देने का काम किया, इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के जो छात्र थे, जो पोस्ट मैट्रिक जिसको हम बोलते हैं, 10वीं क्लास से ऊपर जो छात्र छात्राएं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उनको सपने में कई आर्थिक रूप से बाधा नहीं आए और वो एजुकेशन, अपनी हायर एजुकेशन भी पूरी कर पाए, कॉलेज एजुकेशन पूरी कर पाए, इवन बड़े बड़े जो कोचिंग्स वगैरह भी वो पूरे कर पाएँ, उस विषय की जो छात्रवृत्तियाँ होती है वो भारत सरकार पहले पैसा तो देती थी लेकिन वो राज्य सरकारों के पास जाता था और राज्य सरकारों के जो सक्षम अधिकारियों के पास जिला स्तर पे आते आते, विद्यालय पर आते आते, ऐसा प्रतीत होता था कि जितने लोगों को जो लाभ और सीधा लाभ मिलना चाहिए था उसमें बीच में ही बहुत सारी कमियाँ हो जाती थी और छीजत हो जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन SC के छात्र छात्राओं को लाभ देने के लिए सीधा एक योजना शुरू की और अब उन सब छात्रों को लाभ मिलेगा कि जो भी छात्रवृत्ति का पैसा होगा सीधा उनके खातों में जाएगा। एक बहुत बड़ा लाभ, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज किसानों को सीधा पैसा जा रहा है, ऐसा ही उनके माध्यम से जाएगा। दूसरी चीज, न सिर्फ इसमें सीधा लाभ देने की घोषणा की है बल्कि आप ये देखिए 11वीं क्लास से 60 लाख से भी ज़्यादा छात्रवृत्तियाँ छात्रों को वो देंगे और 2013-14 के अनुपात में हम बात करें तो लगभग 10% से भी ज़्यादा लोगों को उसमें एनरोलमेंट किया है। मतलब जो छात्रों का, पहले ऐसा होता था कि कोई भी अनुसूचित जाति का छात्र छात्रा अपनी छात्रवृत्ति के लिए अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में, संबंधित समाज कल्याण विभागों में चक्कर काटता थक जाता था, लेकिन उन चक्रों को भी उन्होंने समाप्त किया है। सारा सिस्टम उन्होंने ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन बनाने की कोशिश की है और साथ में ही इसके अलावा भी ट्यूशन शुल्क है, मासिक रखरखाव जो होता है उसका भत्ता होता है, कोई टाइपिंग भत्ता होता है, इत्यादि सारी चीज़ें भी उनको जोड़ने का उन्होंने काम किया है। इसमें सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसेस के आधार पर सभी लोगों को और जोड़ा जाएगा कि कोई जो इस वर्ग में भी जो बच गए हैं उन लोगों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। और इनकी संख्या, हमारा उद्देश्य यह है कि अभी जो 60 लाख लाभार्थी ले रहे हैं इसको 1,36,00,000 तक पहुंचने का है, क्योंकि सरकार ने अपने स्तर पर, भारत सरकार ने जब सर्वे करवाए तो उसमें पाया कि जो वास्तव में जो जिनको लाभ मिलना चाहिए, जो पीड़ित लोग हैं जिनको भारत सरकार की छात्रवृत्ति का लाभ मिलना चाहिए, वो संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रशासनिक बाधाओं के कारण उन तक वो नहीं पहुँच पा रही। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग ने, हमारे माननीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने जो निर्णय किया कि इसको 1,36,00,000 छात्र छात्राओं तक उनको पहुंचाया जाएगा और आगे 4 वर्षों में 4 करोड़ छात्र छात्राओं को इससे और भी लाभ होगा। मतलब ये एनरोलमेंट हम ऐड कर रहे हैं।
और इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो हम जितना छात्रवृत्ति का पैसा होता है वो सारा पैसे में 60% जो छात्रवृत्ति का पैसा होता है वो भारत सरकार देती है और रिमेनिंग 40% पैसा होता है वो राज्य सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है जो दोनों के मिलने चलती है। तो इसमें 60% में हम बात करते हैं तो आगामी 5 वर्षों में 59,048 करोड़ रुपए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से छात्र छात्राओं को अगले 5 वर्षों में छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, बहुत बड़ा। यूपीए सरकार या अन्य जो जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारें दावा करती थी कि हम अनुसूचित जाति वर्ग का वो एक तरीके से अपने आप को ठेका लेते हैं और ये कहते हैं कि उनके ऐतिहासिक हैं, सच मायने में आप आंकड़े उठा के देखिए, मैं आपके समक्ष अनुरोध करता हूँ। तो यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमेशा सिर्फ दिखावा छलावा की राजनीति की है, लेकिन असली लाभार्थी को लाभ देने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसको दिखावा लॉलीपॉप देने की कोशिश की है और भ्रम में रखा कि हम आपको क्या दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई दिखावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीधा काम किया जा रहा है और हम भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उन अनुसूचित जाति के गरीब छात्र छात्राओं की ओर बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ने का काम किया है कि साथ में इसमें एक विषय और मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन में विशेष तौर से ध्यान दिया गया है कि हायर एजुकेशन में भी कोई टेक्निकल एजुकेशन कोई बच्चा करना चाहता है, पहले ये होता था कि ग्रेजुएशन तक बस वो एक सर्टेन सब्जेक्ट्स होते थे। आज जिस तरीके से दुनिया तकनीकी रूप से और जिस तरीके से प्रॉस्परस स्कोप्स खुलते जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो उन क्षेत्रों को भी इस छात्रवृत्ति के स्कोप में शामिल किया गया है। तो कोई रिसर्च करना चाहता है किसी चीज़ में, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले जाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उन अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए बड़ा संबल, रीढ़ की हड्डी, उनको सपोर्ट, उनको संरक्षण, उनको बढ़ावा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग द्वारा माननीय थावरचंद गहलोत जी के निर्देशानुसार ये काम बड़ी सफलतापूर्वक भारत सरकार कर रही है। मैं आपके पत्रकार बंधुओं के से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस योजना को उन आम जन तक पहुंचाने में अपना जिस तरीके से हमेशा सहयोग देते हैं, अधिक से अधिक सहयोग दें ताकि वो गरीब और पीड़ित लोग जो है इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। मैं आप सबको ने मेरी बात सुनी है, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। चालू करने के कोई प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? रेल का पटरी पर आ चुकी है, लेकिन एक बंद है, कई गाँव ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं लेकिन वहाँ सड़क मार्ग है नहीं, केवल एकमात्र यही ऐसा वाहन है जो उनको केवल जो उन गाँव से जुड़ती है और वहाँ पर बस जाती नहीं है, तो कई समस्या इस तरह की आ रही है। देखिए, नैरो गेज लाइन जो थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो आपने जानकारी दी है कि पिछले 9 महीने से ये बंद पड़ी है, लोगों को आवागमन में तकलीफ हो रही है, इस संबंध में आपने मुझे जानकारी दी, मैं आपका आभारी हूँ। मैं इसके संबंधित जो अधिकारी हैं, रेलवे के जो अधिकारी हैं, उनसे इनको बुलाकर इसकी पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट लूँगा। टेलीफोनिकली जब मेरी चर्चा हुई तो कुछ जानकारी आई थी कि किन्हीं कारणों से उनको बंद करना पड़ा है, एक बार और बुला कर मैं चर्चा करूँगा कि जिन क्षेत्रों में रेल लाइन जा रही थी उन गाँव में जो परिवहन के किस तरीके से अल्टरनेट व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं। तो मैं अपने संज्ञान में लाया, मैं आपका आभारी हूँ और इस विषय में पूरी जानकारी लेके मैं इसमें आगे और कार्रवाई करूंगा कि उन गांवों को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। कई केंद्र सरकार की योजनाएं जिनके बारे में प्रकार मैं आपको बात रखना चाहूँगा, आप मेरे साथ चलिए या निष्पक्ष रूप से वहाँ बॉर्डर जहाँ दिल्ली पे जहाँ भी हमारे किसान साथियों ने अपना धरना प्रदर्शन कर रखा है वहाँ जाइए और देश के अन्य हिस्सों में भी आप अपने पत्रकार बंधु हैं, जिले जिले में हैं, तहसीलों में, उनसे संपर्क कीजिए। ऐसा प्रतीत होगा कि ये देश बहुत बड़ा देश है, 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, 1,36,00,00,000 से ज़्यादा जनसंख्या है। क्या सभी लोग वहाँ पर हैं? ऐसा नहीं होता। इस देश में 85% से ज़्यादा जो लघु और सीमांत किसान हैं और वो लघु और सीमांत किसान जिनकी 2 एकड़ से भी कम रकबे की खेती है, और उसमें भी आप जाएंगे तो खातेदारी देखेंगे तो उसमें भी कई परिवार के भाई बंधुओं का बंटवारा होता है, तो उसकी रकबे बहुत छोटे हैं। वो बेचारे तो धरना प्रदर्शन करना तो बहुत दूर की बात है, वो अपना जीवन यापन कर ले ये बहुत बड़ी बात है। उनकी आय अगर आप देखोगे तो एक परिवार की आय 10,000 रुपये महीना भी नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने, और 15% किसान ऐसे हैं जो
जो कि समृद्ध और बड़े किसान हैं, जो जिनकी रकबा 2 एकड़ से ऊपर है, आप ये देखेंगे कि वो 85% लोगों की आवाज़ अब तक किसी ने नहीं सुनी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, संसद ने, पूरी संसद ने बड़ी विनम्रतापूर्वक, बड़े खुले मन से, बड़ी चर्चा के बाद में लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पास किया है और उस किसान हित में होगा, ये मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। इसके कानूनों की गहराई में, चूँकि मैं भी सांसद हूँ, एक एक पैरा टू पैरा हम इस कानून के अध्ययन करते हैं, उसके बाद में संसद ने इसको पास किया। हमारे कुछ राज्यों के, विशेषतः पंजाब और हरियाणा के हमारे किसान भाइयों के मन में कुछ शंकाएँ जरूर हैं और वो शंकाएँ 5 महीने से आप देखिए, आप ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो कानून पास हुआ जब से 4 महीने तक मन में कोई शंकाएँ नहीं थी। ऐसा क्या हुआ कि अचानक 5वें महीने में धीरे धीरे वो शंकाएं उभर के और सड़कों पे आने लगी? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भोले भाले उन किसानों को कुछ राजनीतिक दल, कुछ एनजीओज, कुछ महत्वाकांक्षी लोग उनको कंधा बनाकर अपनी बंदूकें चला रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उन धरने प्रदर्शनों में या रैलियों में कुछ पार्टियों के झंडे बैनर भी आपको दिखाई देंगे, कुछ लाल रंग के झंडे पश्चिम बंगाल से और महाराष्ट्र से आते हुए दिखाई देते हैं, कुछ हरे रंग के झंडे कहीं और से आते हुए दिखाई देते हैं, और कहीं तो ऐसी भी, कल एक दुखद तस्वीर हमने देखी कि किसी बेअंत सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री के अधिकारी की फोटो भी वहाँ लगी हुई देखी। ऐसी जब घटनाएँ देखने से आपको प्रतीत होता है, क्या आपने कभी ऐसा कोई धरना देखा है? हम किसान भाइयों को जो सर्दी में पीड़ा हो रही है, उससे बड़ा दुख है, पीड़ा है, और हम उनके पूरा समर्थन में हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि 10,000 रुपये के नाइक के जूते, ट्रैक सूट, आधुनिक सारी सुविधाएं तो कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो रही है, और कोई ऐसी संस्थाएं हैं, हम कहेंगे उनको सहयोग कीजिए, जरूर करना चाहिए। हम उनके समर्थन में भारत सरकार, हमारे तीनों मंत्री जिस विनम्रतापूर्वक कई दौर की वार्ताएँ हम किसानों को सम्मानपूर्वक सर आँखों पर लेकर कर रहे हैं और आगे भी उन्होंने वार्ता के द्वार खुले रखे हैं, तो भारत सरकार खुले मन से उनकी सेवा का काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि उन गरीब किसानों के लिए जो 85% लोग हैं, उन गरीब किसानों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी खुशहाली के लिए जो दृढ़तापूर्वक कदम प्रधानमंत्री ने उठाया, उन जन कल्याणकारी कदमों से पीछे हटना इस देश के हित में नहीं होगा। कुछ लोग अपनी एक ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए कि या तो कानून वापस लें, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। आप समाज के चौथे खंभ हैं, आप एक चीज़ बताइए, कोई मतभेद हो सकते हैं लेकिन क्या इतना दादागिरी आप कर सकते हो क्या कि नहीं ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे? एक बड़े देश में, लोकतांत्रिक देश में, अगर सभी निर्णय इस तरीके से बदले जाएंगे तो मुझे लगता है कि देश की सभी व्यवस्थाएं कल को एक के बाद एक लाइन शुरू हो जाएगी कि इसके बाद ऐसा करो, अब इसके बाद ऐसा करो। और यही संख्या नहीं, मैं आपको बता दूं, आज हमको अगर इजाज़त मिल जाए, हम अगर किसानों का सम्मान, उन लोगों को भी हम बात करें तो हमारे पास लाखों लोगों के ऐसे फ़ोन आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब हमको लेके चलिए आप, हम समर्थन में जाके दिल्ली के चारों तरफ हम भी अपना डेरा डालते हैं, हम दृढ़तापूर्वक हाथ जोड़ते हैं कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए, हमारे आप समर्थन में, आप गांव में बैठे हैं, यही समर्थन है। इसलिए आप तुलना कीजिए कि जो किसान गांव में बैठे हैं, जो किसान वहां सड़कों पे नहीं है, उनको आप कुल किसानों में से माइनस कर दीजिए तो उनकी संख्या 1% भी नहीं मिलेगी। इसलिए इस तरीके से मुझे लगता है कि समन्वयपूर्वक रास्ते की हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई जो धरने बैठे हैं, भारत सरकार की विनम्रता को, भारत सरकार के सहयोगात्मक रवैयों को अपनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार ने सकारात्मक पहल की उनको अपना के और आगे भी विश्वास दिलाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों के लिए हमेशा तत्पर हैं, और हमारे रक्षा मंत्री जी ने इतनी बार कहा कि आप 2 साल तक इसको अपना के देखें, नहीं होगा तो पुनः विचार कर लेंगे। इससे भी ज़्यादा विनम्रतापूर्वक और किस तरीके से किसान भाइयों के सम्मान के लिए हम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि किसान भाइयों को इस चीज़ पे विश्वास करना चाहिए और अपने घरों पे जाना चाहिए।